मैं डॉक्टर सुरुचि पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज हम बात करते हैं सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस क्या है और लॉन्ग टर्म में उससे क्या फायदे हो सकते हैं, और सनस्क्रीन ना यूज करना कितना भारी पड़ सकता है स्किन के लिए। ये जो ओजोन लेयर का कंटिन्यूसली डिप्लीट होना एक इम्पॉर्टेंट रीजन है हायर पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेज इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड हालांकि हमें सनलाइट कुछ हद तक चाहिए होती है डेली डोजिंग ऑफ वाइटामिन डी बनाने के लिए, बट एट द सेम टाइम हायर अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर्स एंड यूवी लाइट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर स्किन। सो सनस्क्रीन्स आर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। प्री मेच्योर एजिंग, जो हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि हम चाहते हैं हमारी स्किन यूथफुल रहे, रेडिएंट रहे, हेल्दी रहे, सो सन एक मेजर एक नेगेटिव फैक्टर, एक विलेन है, और उससे बचाना का काम हमारा मेन सन प्रोटेक्शन जो है वो SPF यानी सनस्क्रीन ही करते हैं। सो इट शील्ड्स योर स्किन फ्रॉम डेवलपिंग साइंस ऑफ एजिंग लाइक रिंकल्स, फाइन लाइन्स, सन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फोटो डैमेज, ड्राई स्किन। एंड लॉट ऑफ स्टडीज रिवील दैट पेशेंट्स और पीपल बिलो द एज ऑफ 55 हु हैव यूज्ड सनस्क्रीन प्रॉपरली हैड 24% लेसर चांसेस ऑफ डेवलपिंग दीज एजिंग साइंस देन नॉन सनस्क्रीन एंड ओकेजनल सनस्क्रीन यूजर्स। इट ऑल्सो लोअर्स द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी इन द स्किन। सो हालांकि हमारे इंडिया में तो जो बेसिकली सनस्क्रीन मेरी ब्यूटी रीजन्स के लिए यूज होता है, बट आई थिंक हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं दे कम एज एन एडवांटेज एंड वी मस्ट एज डर्मेटोलॉजिस्ट इट्स आर ड्यूटी टू एम्फेसाइज द रोल ऑफ सनस्क्रीन्स। सो यू हैव टू वेयर योर सनस्क्रीन डेली एंड एटलीस्ट रिपीट इट एवरी 3 आवर्ली, इवन वेन यू आर इनसाइड द हाउस, इवन वेन दी वेदर इज नॉट दैट सनी और वेदर इट इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड एंड इवन इन विंटर्स। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री में स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो पोलर एरियाज में लोग रहते हैं वहाँ स्किन कैंसर का रिस्क बहुत हाई होता है और बहुत खतरनाक कैंसर है। उससे भी बचाने का एक ही तरीका है टू यूज़ अ गुड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्ली। सो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन लिबरली ऑन योर फेस टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ दैट इरिटेटिंग ब्लॉटचिनेस एंड इरप्शंस ऑफ रेड वेन्स और टेलेंजेक्टेसियाज जिसे हम बोलते हैं। इवन सन कई लोगों में एक्ने भी ट्रिगर कर सकता है और सन से फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी कई लोगों को या पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस भी हो जाती हैं, तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट है। सन बर्न्स स्पेशली अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जैसे आजकल वेकेशंस, समर वेकेशंस में जाते हो तो सन बर्न होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगेन यू हैव टू यूज़ अ गुड SPF सनस्क्रीन। एंड सनबर्न्स में स्किन कैसे दिखेगी हमें कि बहुत स्किन हमारी रेड हो रही है, पीलिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस एंड इचिंग हो रही है, विच इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द UVB स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट, एंड ब्लिस्टरिंग हो सकती है। सो रेकरिंग एकरेंसेस ऑफ सनबर्न्स कैन एक्चुअली पुट यू एट हायर रिस्क ऑफ लीथल मेलेनोमा इज अ रिसेंट स्टडी इन अगस्त 2008। एंड नॉट जस्ट दैट स्टडी, देर हैव बीन मेनी स्टडीज आफ्टर दैट ऑल्सो। सो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एंड स्टे सेफ। आई यूजिंग द राइट SPF ऑफ सनस्क्रीन, यूजिंग द राइट क्वान्टिटी एंड रिपीटिंग इट एट 3 आवर्ली इंटरवेल इज द मेन क्रक्स। एंड आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.